सहराव की मांग को लेकर फेसर रेलवे स्टेशन के समक्ष ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। गौरतलब है कि औरंगाबाद सदर प्रखंड के फेसर रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों ने देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव समेत पांच सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को स्टेशन परिसर के समीप धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन से पूर्व ग्रामीणों ने बसडीहा हाई स्कूल मैदान से पैदल आक्रोश मार्च निकाला और यह आक्रोश मार्च फेसर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिसमें फेसर थाना के पुलिस और आरपीएफ की कई बटालियन शामिल थे। वहीं स्टेशन के पास कई दुकानों को बंद कर दिया गया था। इस मौके पर किसान अमित कुमार सिंह, फेसर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रवि कुमार, राकेश कुमार, लूटन यादव, सुशील यादव, निराला यादव, महेंद्र पासवान ने बताया कि औरंगाबाद जिले के काफी नजदीक रेलवे फेसर स्टेशन है, यहां पर मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। कोरोना काल के पहले यहां पर हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस रुकती थी, कोरोना के बाद यहां पर देहरादून एक्सप्रेस की ठहराव हटा दी गई। इसको लेकर हम ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ट्रेन नहीं रुकी तो हम लोग आगे चक्का जाम करेंगे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए औरंगाबाद से दीनानाथ मौवार की रिपोर्ट। आज का मुद्दा क्या है? ये आज का मुद्दा यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, फेसर के लिए ये बड़ा ही स्थानीय मुद्दा है कि कोरोना जो कि बड़ा दुखा दे रहा था, कोरोना काल के पहले यहाँ पे देहरादून एक्सप्रेस 13009 और 13010 ये रुकती थी यहाँ, जो कि हावड़ा से चल के देहरादून जाती है, और ये अकेली एक फास्ट ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसके थ्रू हम लोग बनारस या देहरादून या हावड़ा जाने वाली थी। अब इसके बंद होने के बाद, कोरोना में सारी ट्रेनें बंद हुई थी, जब इसके जाने के बाद यहाँ एक भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं, जबकि इस फेसर स्टेशन के पास बहुत जगह है, हर चीज़ के लिए जगह उपलब्ध। ये जब कोरोना काल ख़त्म हुआ तो फिर देहरादून एक्सप्रेस का रुकावट जो हुआ वो रफीगंज में चालू हो गया, उसके पहले गुरारू में चालू हुआ, जो नहीं चालू हुआ वो जाखिम नहीं चालू हुआ, फेसर नहीं चालू हुआ यहाँ। तो वही यहाँ के स्थानीय लोगों का बहुत दिन से, करीब एक दो साल से ये हमेशा मांग रहा है कि ये रुकना चाहिए। हम बड़े ही शांतिपूर्वक हम लोग रख रहे हैं, इसके बाद अगर नहीं माना गया तो हम जिला में बैठेंगे, जिला में नहीं माना जाएगा तो हम हाजीपुर जोनल ऑफिस जाएंगे, और जब कहीं से नहीं मांग होगा तब हम लोग फिर यहाँ पे ट्रैक पे रेलवे रोकने का काम करेंगे, और कोई क्षतिपूर्वक नहीं, वो बात की बात है। अभी बड़े शांतिपूर्वक हम लोग अपना मैसेज दे रहे हैं आपसे।